नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों बाजार ने 17,700 पे क्लोजिंग दे दी, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बाजार जो आज करके दिखाई है वो कारनामा ही है। नए साल का इतना बेहतरीन गिफ्ट मिलेगा हमको आपको, ये मैंने सोचा भी नहीं था और बहुत कमाल का गिफ्ट मिला, तो बाजार को धन्यवाद। मैं भी आपको आज एक गिफ्ट देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। कुछ बातें कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बेक्टर फूड 20% का अपर सर्किट, आपको अगर याद हो 10-15 दिनों में मैंने इस स्टॉक की चर्चा कम से कम 3-4 बार की हुई है और इसने जब आज 20% का सर्किट मारा तो दिल में हलचल मची और मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग केवल स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स की है। याद रखिएगा मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है और वहाँ पर मुझे अभी भी लॉस हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है और यहाँ पर मेरा टाइम होराइजन 8 से 10 साल का है, तो मैं यहाँ पर अभी भी फुल कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टेड हूँ। बाकी 20% के अपर सर्किट पे आप कोई भी स्टॉक बेचो तो वहाँ पर बहुत कमाल की फीलिंग होती है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बायर्स इच्छुक होते हैं, भैया हमें दे दो, भैया हमें दे दो, भैया हमें दे दो। जैसे आप मार्केट में कोई अपनी चीज़ लेकर के जाओ और सब आपको घेर लें, कितना प्राउड मोमेंटम फील होता है, यार देखो मेरे पास वो चीज़ है जो पूरी दुनिया लेने के लिए आज खड़ी है। मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। आई होप आप इसको एंजॉय किए होंगे। होल्डिंग्स में मेरा कन्विक्शन बिल्कुल बरकरार है और मैं उसको होल्ड भी करता रहूँगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए कितना कमाल का स्टॉक है वो मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं बाजार की, लेवल्स आपको दिखाऊंगा और फिर आपको कुछ बातें समझाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपने बोला था बाजार गिरेगी, बाजार नहीं गिरी, तो मैं उनको एकदम साधारण शब्दों में जवाब दूंगा। मैंने कहा था बाजार के गिरने के चांसेस 33% है। मैं यहाँ अपने आप को सही प्रूफ करने नहीं आया हूँ, आपके ऊपर है, आप इस चीज़ को कैसे लेते हो, ठीक। आज का बाजार का लो देखिए, जो आपको बताया गया था 17,331 का लेवल, वहीं पर बाजार ने लो मारा है। आप जाकर के पिछले 3 दिन की वीडियो उसको देखिएगा, पिछले 3 दिन के बाजार के लेवल्स को देखिएगा, एग्जैक्टली हमारे लेवल को बाजार सम्मान दे रही है। अब इसके बाद बाजार यहाँ से चलना चालू होती है, यानी कि सपोर्ट पे खुली है, ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस पे नहीं रुकी, इसको इसने रेजिस्टेंस नहीं माना, ठीक है, नहीं माना, लेकिन जैसे उसके ऊपर गई तो इसको बाजार ने सपोर्ट मानने का काम किया। मैं इसको रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट मानूंगी, ऐसा बाजार ने कहा, और फिर देखिए कितना बढ़िया इसको बाजार ने सम्मान दिया। ये लेवल भी आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया गया था, इसके ऊपर बाजार जैसे ही निकली यहाँ पर बाजार ने इसको भी रेजिस्टेंस नहीं माना, फिर सपोर्ट माना है। मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए एक बार, दो बार, तीन बार बाजार ने इसको सपोर्ट माना। प्लस आपको याद हो मैंने आपसे कहा था 17,558 ये लेवल आपको बताया था, यहाँ पर जब बाजार ने उस लेवल को सम्मान दिया था मैंने कहा था अनटिल एंड अनलेस मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं होती है आपको कोई भी हाई कन्विक्शन बाई साइड का ट्रेड नहीं लेना है। याद है या नहीं याद है, फिर से बताइएगा, याद है या नहीं याद है। जिनको नहीं याद होगा वो आकर के सस्ता नशा करके नमक सूंघ करके बता देंगे कि अरे सर आपने तो बोला था बाजार गिर जाएगी, नहीं गिरी, तो गिर जाती तो मैं अपनी वाहवाही लूटता, ऊपर गई फिर भी वाहवाही लूटूंगा, क्योंकि मैंने जो बोला आप उसको चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, आपके सामने घटना घटित हुई है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस के रूप में बाजार ने इसको लिया, वापस नीचे आई, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ जो आपको पहले बताया हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बाजार ने इस लेवल को तोड़ा फिर आप देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम आया। अब आपको एक ऐसी वाली बात बताऊंगा जिसको आप सुनकर के जो सस्ता नशा करके बैठे हैं उनके कलेजों को ठंडक मिलेगी। मेरे पास अकॉर्डिंग टू माई लेवल्स यहाँ पर बाई साइड की पोजीशन थी, ठीक है, बाई साइड की पोजीशन थी, यहीं कहीं मैंने एग्जिट किया। मैं पूरे के पूरे ये जो 6 कैंडल्स बनी ना इसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और ये अनफॉर्चुनेट कंडीशन होती है। आई होप आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ कभी कभी घटित होती होगी, लेकिन मेरे पास निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन थी और मैं बहुत अच्छे तरीके से इन्जॉय कर लेता, क्या करें यार, हो जाता है, दिल टूट जाता है, लेकिन बाज़ार ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, तो ये सब छोटी मोटी कंप्लेंस नहीं करनी चाहिए। इस शॉर्ट कवरिंग में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन अगर पार्टिसिपेट किए होते तो कितना बढ़िया प्रॉफिट बनता वो आपको पता है। अब ये ट्रेड क्यों लेना था मैं आपको बताता हूँ। हमारे दिए हुए लेवल को बाजार तोड़ करके ऊपर गई, उस लेवल को तोड़ करके एक बार भी नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इसका मतलब क्या है कि आप बाई साइड का ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। इंतजार करोगे ना इसके नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा करके, इंतजार कीजिए, और जो इंतजार किए हैं उनको टारगेट मिला है, और थोड़ा पीछे आकर के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाजार ऊपर गई, यहाँ पर आप बाई साइड का ट्रेड लेते एक जगह भी, अब आप कहोगे कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर चला जाता, मान लेता हूँ आपका स्टॉप लॉस चला जाता, दोबारा भी तो आपको ट्रेड लेने का मौका मिला था, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं जाते, क्योंकि 5-7-8 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस कोई नहीं लगाता, इतना मुझे पता है कम से कम 15-20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। अब आप आगे देखिए, कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपने बाइंग करी तो हो सकता है आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते, या फिर डायरेक्टली बाजार ने इस लेवल को तोड़ दिया तो आप हो सकता है इंतज़ार भी कर लेते उसी ट्रेड को लेकर के, या फिर आप यहाँ पर फ्रेश ट्रेड ले लेते,
यहाँ पर तो अगर कोई बाइंग नहीं किया तो मैं उसको क्या ही बोलूँ। एग्जैक्टली 17331, ये कल की बाजार वाली वीडियो में आपको लेवल बताया गया था। लगातार 3 दिन हैट्रिक, जैसे क्रिकेट में हैट्रिक लेना, हैट्रिक छक्के, हैट्रिक चौके, या हैट्रिक विकेट लेना, या हैट्रिक कैच पकड़ना, कुछ भी हैट्रिक, ऑलमोस्ट बहुत कठिन होता है, इम्पॉसिबल के बहुत नज़दीक होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमारे लेवल ने करके दिखाई है कि बहुत नज़दीक था ये चीज़ इम्पॉसिबल के, लेकिन फिर भी लगातार 3 दिन एग्जैक्टली उसी लेवल को बाजार सम्मान दे रही है जो आपको बताया गया है। तो आप लेवल की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ सकते हो। प्लस 17558, इस लेवल को जो जो भूल गया होगा उसके साथ तकलीफ हुई होगी, मैंने ये लेवल आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा था 33% चांसेस मुझे यही लग रहे हैं, जिस हिसाब से ऑप्शन डेटा बना हुआ है बाजार गिरनी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग हुई बाजार ने गलत प्रूफ किया। और ऐसी गलतियों के लिए मैं बिल्कुल रोज़ तैयार हूँ। मेरे कहने पे अगर बाजार उल्टा चल जाए, ठीक है, मैं कहूँ गिरे और बाजार ऊपर जाए, मैं रोज़ कहूँगा, लेकिन जो चीज़ मुझे डेटा से समझ में आएगी मैं वो आपको बताऊँगा। सस्ते नशे वाले लोग दूर रहिए। चलिए अब गिफ्ट की बात करेंगे, उससे पहले निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात कर लेते हैं। निफ्टी ट्रेडर सेटअप में आज आपको बहुत कमाल का और बहुत आसान था यार। आज के दिन ट्रेडिंग करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आपको बाई साइड का ट्रेड देता है निफ्टी ट्रेडर सेटअप। बाई क्या करना है, कॉल बाई करना है यहाँ पर। उसके बाद आप देख लीजिए क्या हुआ, ठीक है, ये 3 मिनट का ट्रेड था। 10 मिनट वाले ट्रेड में यहाँ पर भी सिचुएशन बहुत अच्छी थी, कोई दिक्कत थी नहीं, यहाँ पर भी आप आसानी से ट्रेड लेते और सारा टारगेट हिट होता। 3 मिनट और 10 मिनट की कैंडल पे सारा टारगेट हिट हुआ। आज बिना किसी दिक्कत के आप सारा ट्रेड ले सकते थे। लेवल्स वाला ट्रेड मैंने आपको पहले ही समझा दिया। लेवल्स पे आप जरा सा मुझे समझा सकते हो किस हिसाब से ट्रेडिंग अलग तरीके से आप करना चाहते हो। कुछ लोग बोल रहे हैं हम एल्गो ट्रेड वहाँ पर बना करके रखे हुए हैं, तो थोड़ा उसको संभाल करके रखना ऑपरेटर से। बाकी तो यार कमाल का काम आप लोग कर ही रहे हो। अब मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। चलिए गिफ्ट ऐसा है दोस्त, वहाँ पर मेहनत बहुत है, तो जो लोग सच में सीरियस हों उनके लिए फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत, नया फाइनेंशियल ईयर, तो आपको लिखना है II-FS, ठीक है, ये लिखना है सब्जेक्ट में ईमेल के। उसके बाद आई वॉन्ट टू ज्वाइन निफ्ट ट्रेडर फॉर फ्री, ठीक है, फॉर फ्री लिखना है। अब ये मैंने क्या बात कही है फॉर फ्री, यहाँ पर मैं आपके साथ जुड़ूंगा 45 दिन। 45 दिन आपको अलग अलग टास्क दिए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे बैक टेस्टिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे। याद रखिएगा इसके लिए हम आपको कुछ पे नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इन 45 दिनों में हमारे साथ सर्वाइव कर गए, जो कि काफ़ी आसान है, हाँ मार्केट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और डेली आपके पास 1 घंटे का समय होना चाहिए, यानी कि 45 घंटे मैं आपसे ले रहा हूँ। इन 45 घंटे की बदौलत, मतलब इन 45 घंटे की मेहनत के बदले में मैं आपको निफ्टी ट्रेडर सेटअप, जो कि ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ होता है, आपको फ्री दूंगा 46वें दिन, ठीक है। ये चीज़ मैं स्टार्ट करूँगा मंडे से, याद रखिएगा मंडे से ये चीज़ स्टार्ट होगी। 46वें दिन जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनको मिलेगा निफ्टी ट्रेडर सेटअप फ्री, लेकिन ये 45 घंटे आपको हमें देने पड़ेंगे। और इन 45 घंटों में मैं आपको टेक्निकली ट्रेड करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स पे बैक टेस्टिंग करवाऊंगा, ट्रेडिंग करना अलग तरीके से सिखाऊंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कुछ अलग, मतलब दुनिया की चीज़ नहीं बताऊंगा, बिल्कुल मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ें बताऊंगा। वहां पर आपकी मदद मैं अलग तरीके से करने की कोशिश करूंगा। अब निफ्टी ट्रेडर आपको फ्री मिल गया, इससे मेरा क्या फ़ायदा, मैं आपको फ्री में दे दिया, अपना समय भी आपको दे रहा हूँ, तो मेरा क्या फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करूँगा बड़ा पैसा मैनेज करने के लिए, और वो होगी मेरे लिए सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। तो वहीं से मुझे आप में से कुछ लोग मिलेंगे, और याद रखिएगा जब भी हम आपको इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपको हम पे करेंगे जो भी हमारा नॉर्मल पेमेंट स्ट्रक्चर है। अभी ये स्ट्रक्चर 230 रुपये प्रति घंटे का है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब आपको मिलेगा निफ्टी ट्रेडर सेटअप फ्री, 45 दिन की मेहनत आपको करनी है। यहाँ पर हम आपके साथ 3 और अगर ज़रूरत पड़ी तो 4 बार बीच में जूम मीटिंग या गूगल मीट के साथ जुड़ेंगे, पर्सनल लेवल पे आपको कुछ बातें समझाऊंगा। हाँ, 1 घंटे जो नहीं दे सकता है, जो सीरियस नहीं होगा, उसे बीच में बाहर कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, कितने लोग, तो मेरे हिसाब से ये नंबर 50 के आसपास रहे तो ज़्यादा बेटर है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो थोड़ा सा ये जो प्रोसीजर होगा टफ हो जाएगा, लेकिन अगर 50 के आसपास है तो मैं इतने लोगों को ज़रूर सेलेक्ट करूँगा। याद रखना, जो सीरियस नहीं है और जिसको बहानेबाजी बहुत आती है, फिर से बोल रहा हूँ, जो सीरियस नहीं रहना चाहता बाजार में, जिसको बहानेबाजी बहुत आती है, सो गया था, खो गया था, लड़की के साथ घूम रहा था, लड़के के साथ घूम रही थी, या कुछ भी, बुढ़ा हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ, नहाया नहीं था, खाया नहीं था, बहानेबाजी ऐसे ही होती है ना,
ये सब बहानेबाजी जिसको मारनी है सर, चाचा के भाई की शादी है, चाचा के भतीजे की शादी है, मतलब कुछ भी बहाने मार दो। ऐसे लोग प्लीज़ नहीं अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको मैं बहुत खरी खोटी भी सुना सकता हूँ इन बिटवीन, ठीक है। और जो भी कोई एक भी बहुत तगड़ी इमरजेंसी आ गई तो चलेगा, बाकी अगर आप चीज़ों को मिस करोगे तो आपको आगे प्रोसीड नहीं, मतलब आपका प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दैट्स इट। याद रखिएगा, जो हम 50 लोगों को सेलेक्ट करेंगे उनमें हम 3 या 4 बैच बनाने की कोशिश करेंगे, 12 12 लोगों का या 15 15 लोगों का, जिससे कि अलग अलग तरीके से एक बैच में लोग एक दूसरे को भी समझ सकें। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जिनको भी फ्रेश स्टार्ट करना है अपने ट्रेडिंग जर्नी को, ठीक है, वो कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज आपके लिए, निफ्टेडर फ्री रहेगा, कुछ चीज़ें आप सीखोगे, और निफ्टेडर सेटअप पे मुझे कितना भरोसा है वो आप जानते ही हो, लगातार मैं उसकी बात करता रहता हूँ। प्लस इन्हीं में से कुछ लोगों को बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे साथ ये वाला काम करने की। तो आई होप आपके लिए विन विन सिचुएशन है। तो मेरे हिसाब से ये गिफ्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ बेस्ट पॉसिबल चीज़ है आपको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे हमको निफ्टेडर सेटअप किसी भी तरीके से दिलाइए, हमारा पहले से अकाउंट है, ये है वो है। तो आई होप इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होगी। जो लोग निफ्टेडर सेटअप पे रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं वो भी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर भी अपडेट लगभग हाजिर है। 2 3 बातें और मैं आपको बता देता हूँ। जो निफ्टेडर सेटअप का चार्ज है वो 3,399 रुपये है। मिनिमम कैपिटल आपके पास 35,000 होनी चाहिए, तभी आप इस फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोचें, क्योंकि निफ्टेडर मिल भी गया तो फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं। अगर आप अपने अकाउंट में 35-40 हज़ार मिनिमम रखते हो ट्रेड करने के लिए, तो आप बिल्कुल निफ्टेडर सेटअप के साथ जुड़ने की कोशिश कर सकते हो, फ्री वाला। जिनको पैसे दे करके जुड़ने हैं और कल से ही ट्रेड करना है, वो आसानी से पैसे दे करके जुड़ सकते हैं। जो लोग पेमेंट करके जुड़ते हैं उनके लिए 22 ट्रेडिंग सेशन का चैलेंज होता है। इस बीच अगर आपका प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको फुल रिफंड दे दिया जाता है। खैर, फ्री वाली बात हो रही थी तो उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। अब जॉब से रिलेटेड आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको बताए जा चुके हैं, 5 सवाल। अब मैंने सोचा था ये इंटरव्यू के सवाल रहेंगे, लेकिन इंटरव्यू में उससे रिलेटेड सवाल रहेंगे। इन 5ों सवालों का जवाब 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इन 5ों सवालों के जवाब आपको उसी ईमेल में रिप्लाई करने हैं, जो आपने स्कोर हमारे पास शेयर किया है। कब तक है मौका? 2 तारीख यानी कि 2 अप्रैल दोपहर 12:30 तक। ये डेट एंड टाइम नोट करके रखिएगा, 2 अप्रैल दोपहर 12:30 तक आपके पास मौका है। इन 5ों सवालों के जवाब आपको अपने हिसाब से लिखने हैं, किसी का 1 पेज में, किसी का 3 पेज में, किसी का 5 पेज में हो सकता है, जिस हिसाब से भी आपको आंसर समझ में आता है आपको वही लिख करके बना करके, ठीक है, आपको हमारे पास भेजना है। उसके बाद फर्दर कम्युनिकेशन आपके साथ ईमेल पे होगा। ठीक, अभी के लिए इतना ही। आज मार्केट में खासकर वो स्टॉक्स चले हैं जो अभी तक नहीं चले थे, नए स्टॉक्स जो बाज़ार में लॉन्च हुए थे यानी कि आईपीओ के रूप में आए थे, वहाँ पर बहुत तगड़ी तेजी आज देखने को मिली। प्लस अगर आप छोटे इंडेक्सेस को देखोगे जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, वो सब बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं। निफ्टी बैंक काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाया है आज। यहाँ पर बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक बहुत कमाल के चले, और इसी कारण निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी धूम मचा रहा था, खासकर HDFC AMC के कारण, जिसने यहाँ पर आग लगा करके रखी थी। बढ़िया था, बाजार ने हमको बहुत तगड़ा गिफ्ट दिया है। आई होप मैंने आपको जो गिफ्ट दिया उससे आप सेटिस्फाइड होंगे। जस्ट इन केस कोई ऑप्शन या फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना चाहता तो उसको Double Eye Trader भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, अगर वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है तो ये हमारी तरफ से एक जेस्चर है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। बाकी अभी आपसे विदा ले रहा हूं, नए साल की, नए फाइनेंशियल ईयर की, नए वित्तीय वर्ष की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आई होप ये नया साल आपके लिए उतना ही कमाल करे जितनी आपने सोच करके मेहनत करी है और आगे मेहनत करोगे। नमस्कार।